तो 17 नंबर, 17 नंबर में कह रहा था कि मतलब 25 पेड़ है जो कि कुआं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है आपका कुआं है और यहाँ पे आपका पेड़ है, और पहला पेड़ का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस आपका 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। इसके बाद जो पेड़ है वो 5-5 मीटर के अंतराल पर जो है पेड़ लगाया गया है, तो ये भी मान लीजिए 5 मीटर। और भी जो पेड़ लगाया गया है वो कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे। और टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो 25 है। अब देखिए, अगर हम इसे जो है पहला, अगर माली जो है यहाँ से पेड़ में इसमें पानी देना शुरू करेगा, तो पहले उसे कितना मीटर चलना पड़ेगा, 10 मीटर चलना पड़ेगा ना। तो एपी में होगा ये, और 10 मीटर पहले चलेगा, तो मान लीजिए पहले जो है ये 10 मीटर चला, कितना चला, 10 मीटर चला। इसके बाद जाएगा तो फिर से इसे कितना चलना पड़ेगा, ये 10 चला और ये 5 15 हो गया, कितना हो गया, 15 हो गया, ये टोटल तो 15 हो गया। अब फिर ये 10 चल के आया, तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी जो अगला डिस्टेंस ये चलेगा कितना का चलेगा, तो 25 मीटर का चलेगा। और फिर अगले पौधे में देने के लिए जाएगा तो ये भी 10 मीटर की दूरी बढ़ जाएगा, एक बार आएगा 5 मीटर, एक बार जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो 25 था और 10 और बढ़ गया तो 35 हो गया। इसी तरह से जो है कितने पदों तक हो जाएगा, तो ये 25 पदों तक हो जाएगा। कितने पदों तक, 25 पदों तक हो जाएगा। इसका कह दिया कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारा जो ए होगा, क्योंकि अगर ये हम ए लेते हैं तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है। देखिए, 10 में 15 जोड़िएगा तब 25 हो गया, और 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35। मतलब यहाँ से डिस्टेंस जो है सेम है, तो इसे अभी हम अलग कर देते हैं, बाद में जोड़ लेंगे। और ये पहला पद हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और डी कितना हो जाएगा, तो डी आपका 10 हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर। और एन कितना हो जाएगा, तो एक पद को छोड़ दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। अब निकालिए एस एन, तो एस एन का फार्मूला जानते हैं कि एन बाई टू और इन टू का क्या होता है, 2a, और प्लस एन माइनस वन और इन टू का डी, यही होता है ना। अब देखिए, एन कितना है, तो 24, और 24 बटा 2 हो जाएगा, 2 गुना 25, और प्लस का हो जाएगा 24 और माइनस वन, और डी है 10, तो 10 रहने दीजिए। ये 12 से कट जाएगा, 12 दुना 24, और ये हो जाएगा 25 दुना 50, और प्लस ये 23, 23 में 10 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ये 12 और गुना 280 हो जाएगा। अगर इसमें हम 12 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 0, और ये 12 अट्ठे का 96, 9 बचेगा, 12 दुना का 24, और 24 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी 3360 मीटर की दूरी होगी, लेकिन कुल दूरी तो ये नहीं होगा, चूँकि आपने जो है 10 मीटर छोड़ दिए हैं। तो हम निकालते हैं कुल दूरी, तो कुल दूरी जो होगा वो कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 10, और प्लस का कितना हो जाएगा, 360, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3360, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3370 मीटर की दूरी जो है इसे टोटल क्या करना पड़ा, तय करना पड़ा, और ये क्वेश्चन आपका बन गया।